लेकिन कोर्टयार्ड मैरिट्स एक चीज और है, जब शादी की बात आती है तो खाने की बात आती है। यहाँ के जो शेफ्स हैं उन्होंने खास वेडिंग शेफ्स रखे हैं जिन्होंने की बहुत ही खूबसूरत डिलीशियस खाने बनाए हैं जो कि लाइव स्टेशन पे बाहर है। जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे शो के बाद तो आप वो खाना खा सकते हैं। एलेक्स आई गेटिंग मी? या अभी एलेक्स ट्रांसलेट करके बताएगा आप सबको कि मैंने क्या कहा। सो शेफ्स हैव प्रिपेयर्ड रियली रियली डिलीशियस फूड व्हिच यू ऑल आर गोइंग टू हैव एंड दैट्स नॉट ऑल। We have Kingfisher and they make sure that you go really, really high with spirits. Then we have JCB as a styling partner. Then this interior decor is done by Shreya Evans, Marigold. And there's one more, I think I have to check my script. Yeah, you know how it is today. We keep getting scripts while we're still on the show. So you can clap for that, that's the first time. Yeah. Yaad ho sakta hai, yaad karke bol deta hu. Magar agar sponsors ka naam reh gaya, to check kar jaate hai, Riyaz. Okay. एक और है स्पॉन्सर, कहाँ लिखा था यार, हाँ एस फैक्टर, ओके। एंड नाउ द ऑल द मॉडल्स दैट यू सी हु आर वॉकिंग हियर, द स्टाइलिंग इज डन बाय जेसीबी। मेरा मेकअप भी उन्होंने किया है। इट्स अ फ्रेंच नेम, जॉन क्लॉड बिगेन, एंड दे स्टार्टेड, दे ओपन्ड इन मुंबई इन 2008 एंड नाउ दे हैव 15 स्टोर्स इन बैंगलोर, मुंबई। आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल क्वेश्चंस आफ्टर दिस, इज अ क्विज, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर एंड लिसन टू मी वेरी वेरी इंटेंटली। या सना, एलेक्स, बोथ ऑफ यू, या तो कि 15 स्टोर्स हैं, तो अगर हेड टू टो व्हेन यू नीड एनी स्टाइलिंग यू नो वेयर टू गो, वेयर टू गो, जॉन क्लॉड, या यू गेट एन अवार्ड, राइट राइट, ओके। एंड कमिंग बैक टू द शो, अच्छा इनके संजीव श्रीवास्तव जो सीईओ है वो यहाँ पे हैं, संजीव श्रीवास्तव सीईओ, जॉन क्लॉड, ओके, एनीबॉडी फ्रॉम जॉन क्लॉड हियर, ए या ओके, तो मैंने बोला आपकी तरफ से अलग चाहिए, ओके। एंड नाउ द मॉडल्स जो वॉक कर रहे हैं वो सब लिबास के लिए वॉक कर रहे हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोग रेशमा और रियाज गांजी की तरफ से यहाँ पे आए, तो रियाज और रेशमा और मैरिज और जेसीबी किंगफिशर सब के लिए जोरदार तालियां, ओके। और सबसे पहले तालियां आप सब लोगों के लिए होनी चाहिए क्योंकि इतने वंडरफुल हमारे दोस्त यहाँ पे आए और सबने इतना इंतजार किया। आप लोगों को बता दूँ इनकी वजह से लेट हुआ, तो आप लोग इनके लिए तालियां बजाइए, इन्होंने इंतजार किया और आप लोग इनके लिए बजा सकते हैं तालियां। दिस इज वंडरफुल सी, ओके।
जो रियाज और रेशमा के जो मॉडल्स हैं आज जो वॉक कर रहे हैं, आपको रियाज और रेशमा के बारे में बताना चाहूंगा कि दे स्टार्टेड द फर्स्ट टूर इन 1995. फ्रॉम 1995 टू 2015 दे आर द नंबर वन रिटेल फैशन ब्रांड इन इंडिया टुडे. एंड दे हैव गॉन इंटरनेशनल. दे हैव 10 स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री इन मुंबई, रायपुर, लुधियाना, दिल्ली एंड इवन दुबई. And if I'm not mistaken, this is one of the rare fashion brands from India which has performed in World Trade Center. The dream of Riyaz and Reshma is to be the first. सबसे पहले तो इस शो की बात करते हैं. बहुत फैबुलस शो था. क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट? पर आपने बोल दिया ना, मुझे क्या बोलने की जरूरत है. फैबुलस था और क्या चाहिए. मैं तो वही सुनने के लिए ये शो करता हूँ. और कपड़े बनाना एक शौक है. और इनफैक्ट एक टाइम था जब हम लोग कपड़े बनाते थे सिर्फ पैसा कमाने के लिए. आज हम लोग कपड़े बनाते हैं एक शौक के लिए. एंड इनफैक्ट एक मज़ा आता है, यू नो, एक जब लोग देखते हैं और कहते हैं कि यार अच्छा लगा क्रिएशन, और तारीफ करते हैं हमारी हमारे ब्रांड की, और बहुत खुशी होती है. एंड इट्स बेसिकली नाउ आई वुड से मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो हमको टाइम मिलता है काफ़ी रिसर्च करने का. काफ़ी लोग हमारी मदद करते हैं तो काम भी अच्छा होता है. और एक ऐसी चीज़ बनती है जो हमें भी देखकर काफ़ी गर्व होता है. एंड लिबास इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू नो द स्टूडेंट्स वर्किंग विद अस. आज 80 से 90 स्टूडेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं. अलग अलग कॉलेजेस के फैशन स्टूडेंट्स हैं. यंग टैलेंटेड किड्स हु हेल्प अस, हु गिव अस न्यू आइडियाज. सो इट इज़ वंडरफुल. बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ फैबुलस एक्सपीरियंस. ये मैंने लास्ट में अपने जो शावर की वाइफ का जो आउटफिट देखा है वो मैंने एक रात में बनाया. बिकॉज आई डेंट लाइक जो एक उसके लिए कुछ तैयार किया था हमने लास्ट मिनट में. हमें अच्छा नहीं लग रहा था इतना. तो वी थॉट के वी वांट टू चेंज इट. तो एक रात मतलब 24 घंटे में हमने वो आउटफिट को तैयार करके 10 मिनट शो के 10 मिनट पहले वो यहाँ पर मंगाया. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एक चीज़ जो हमेशा याद रहेगी. और वो माशाल्लाह ने हाँ ये आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोगों ने एक समर कलेक्शन किया है विच वी प्लान कि थोड़ा सा लुक इंटरनेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज दिस इज इंडिया. आई थिंक अभी मोर पीपल यंगस्टर्स जो शादी कर रहे हैं उनको थोड़े से वेस्टर्नाइज गारमेंट्स चाहिए. दे वॉन्ट टू बाई स्टफ जो के समर कलेक्शन या विंटर कलेक्शन हो, समथिंग दैट्स अ लिटिल मोर पेपी. तो आई थॉट द लाइट गाउन्स दैट वॉज माई एंड. हम लोग ऑफकोर्स वेडिंग तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, बट द लाइट गाउन्स वॉज यू नो स्पेशल फॉर अस दिस टाइम. जो लास्ट में आपने देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट शावर की वाइफ का और शावर का आउटफिट बहुत बहुत गजब गजब लग रहा था. इनफैक्ट मेमो ने जो पहना है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. वो हमारे पेरेनियल्स हैं. ये वो चीज है जो हम लोग जब भी दूल्हा दुल्हन आते हैं और बोलते हैं कुछ और दीजिए तो हम ये निकालते हैं. हमने कहा दुपट्टे की जरूरत नहीं है. देखिए आप लोग नोट कीजिए, दुपट्टे बगैर का जो ट्रेंड है हम शुरू कर रहे हैं. सो ब्राइड्स विल नॉट हैव टू वेयर 2-2, 5-5 किलो के दुपट्टे एनीमोर. एंड इनफैक्ट अभी ये नई परंपरा शुरू होनी चाहिए. सो लेट्स सी, वी स्टार्टेड अ ट्रेंड, लेट्स सी व्हाट अदर्स वांट टू फॉलो इट ऑर नॉट. वेल मिमो इज अ वेरी डियर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. और उनकी एक पिक्चर भी आ रही है अभी. तो इनफैक्ट हमने सोचा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू यू नो साथ में एक काम करने का. और मैंने मिमो को फोन किया लास्ट मिनट पे और उन्होंने कहा कि रियाज मेरे साइज के कपड़े बना सकता है लास्ट मिनट पे. तो आई एम कमिंग. तो आई सेड सर ये टास्क होगा बिकॉज ही इज बिग एंड ब्रॉड बिल्ट एंड यू नो उनके साइज के इमीडिएटली हमारे पास स्टोर में रेडी नहीं रहते. तो रातों रात उनका भी हमने प्रिपेयर किया. तो इट वॉज अ टास्क बट इट वॉज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज मिमो कम्स फ्रॉम द चक्रवर्ती फैमिली एंड इज अ लेजेंड. Father is a legend and I would say ke aaj nahi to kal he will become a super hit, you know. And inshallah I pray for him kyunki ye picture ko success mile. Support in the sense dekhiye shows always hum log dono ke beech ke hote hain. So we try to support each other. Agar 12 baje 1 baje raat tak kabhi kar rahe hain to both of us are together. So वैसे support ki baat hoti thi. We have very good support with us. And look at the star, look at the outfit. That's because of this man over here. I've been telling this openly and I say this, if any man can make a dress. Look at the outfit. That's because of this man over here. I've been telling this openly and I say this, if any man can make a dress. He's already pre-planning my future. I'm telling you, if anybody can make my clothes, it's his man. Like, it really makes me look like a prince. So all thanks to his rocks. I love the experience working on the land.
Well, you see, the clothes make the man. And when you wear the clothes, you get the confidence. And I believe because of his clothing and the way it's fit me, I just felt like I need to conquer the rampant. So I felt very good. जैसे मैम ने कहा है कि पहले से मेरी शादी की प्लानिंग हो रही है और इट फील्स गुड लगता है अभी मुझे पता चल गया है और इट फील्स टू बी डूला वेल फिल्म बहुत अक्लेम हो चुकी है परफॉर्मेंस को बहुत अक्लेम हो चुका है एंड ऑफकोर्स आप लोग की दुआ है बहुत काम आएगी एंड ऑफकोर्स इंशाल्लाह सौरव मैम के साथ और काम का मौका मिलेगा मैं सच बताऊं तो मैंने पहले कभी ये फैशन शो अटेंड नहीं किया सिर्फ मैंने तस्वीरों में देखा है और फिल्म में देखा है मगर मैं सच सच कहूं तो मुझे हाँ एक ही पसंद आया और मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि इन शोज में कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत लगाई जाती है इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल बहुत ही मजा आया और मैं जो ये इसके रियाज साहब है और उनकी जो टीम है उनको तहे से मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये आइंदा और भी तरक्की करेंगे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क और चौथे मुल्क सारी दुनिया में छा जाएंगे बहुत खुश हूँ मैं आज देखिए मैं मुझे दिखाई दे रहा मगर मैं उनका मॉडल का नाम जानता हूँ ना मैं आपको जबानी बता सकता हूँ मगर तकरीबन सब सबके सब बहुत ही बेहतरीन थे उसमें से कुछ बहुत ही अच्छे थे बहुत ही खूबसूरत थे और हमारे खानदान में जब भी कभी कोई शादी होगी तो मैं उनको सब यकीनन इनके पास ही भेजूंगा लिबास के पास ही भेजूंगा मेरी तरफ से जनता को बहुत बहुत सलाम और मेरी तरफ से बस यही उम्मीद है कि अच्छा लिबास पहने अच्छा खाना खाए अच्छा काम करे और हमेशा तंदुरुस्त रहे और खुश रहे कहूँगी बहुत ही ऑसम इवेंट रहा पूरा एक ऑरा जो था बहुत अच्छा लगा मुझे एंड ट्रेडिशनल इंडियन देखने का मौका मिला सो ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली ट्रेडिशनल इतने अच्छे अच्छे क्लोथ्स देखने का मौका मिला और इतनी अच्छी डिजाइन सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर मुझे एक्चुअली मुझे सारे क्लोथ्स बहुत अच्छे लगे बट मुझे जो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया वो जो मिमो चक्रवर्ती का आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लगा ऑडियंस के लिए मैसेज मैं यही दूंगी कि प्लीज़ आप चेकआउट करिए बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं एंड प्लीज़ गो फॉर इट एक और मैम लास्ट क्वेश्चन मतलब 100 करोड़ से पार है और इसका हिस्सा रहेगा तो किस तरह से देखेंगे आई एम वेरी हैप्पी ओवरऑल तनु इट्स मनु इतना अच्छा बिजनेस कर रही है और लोगों को इतना पसंद आ रहा है स्पेशली बन्नो सॉन्ग इतना पसंद किया जा रहा है सो आई एम वेरी हैप्पी क्या हमारे दर्शकों के साथ एक लाइन दे सकते हैं बात बात कर दी है हाथ बात मार दी है बैठे कभी ना बैक सीट बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी थैंक यू सो मच फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मेरे एक मूवी है डायरेक्ट इश्क वो आ रही है और फ्लेम है और एक तेरा साथ एक मूवी है तो या दे आर 2-3 प्रोजेक्ट्स विच आर येट टू कम थैंक यू सो मच थैंक यू वेल आज का बहुत खास इवेंट है बिकॉज पहली बार मैं शो स्टॉपिंग कर रहा हूँ और मैं शो स्टॉपिंग कर रहा हूँ बहुत अपने खास दोस्त के लिए मिस्टर रियाज गांजी के लिए जैसे आपने देखा है मैं आज लिबास पहन रहा हूँ एंड जब सर ने मुझे कॉल किया बोला कि मीमो मैं एक इवेंट कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम शो स्टॉपिंग करो मैंने बोला सर मैं आपको तो ना नहीं करूँगा आप इतने अच्छे इंसान हैं इतने अच्छे डिज़ाइनर हैं तो जब मैंने आउटफिट पहना ऑलरेडी मुझे एक ऑटोमेटिकली एक मुगल फील आने लगा कि यू नो आई फील लाइक अ मुगल प्रिंस एंड इसलिए कॉन्फिडेंटली मैं चला रैंप पे बहुत नर्वस था बट अच्छे से हो गया सो इट फील्स गुड टू बी हियर
लिबास सर, रियाज सर के साथ। रियाज सर मेरे बहुत खास दोस्त हैं, इनफैक्ट पिछले साल भी मैं उनको मिला था। एंड मैं ये कैमरा में कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे कपड़े रॉयली बना पाएगा तो दैट्स ओनली रियाज सर। जैसा हमने देखा है, आई एम लिविंग प्रूफ, आई एम वेयरिंग हिज क्लोज टुडे। तो ही इज अ वेरी वेरी नाइस गाय एंड इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड फैशन डिजाइनर एंड इट्स एन ऑनर टू वेयर हिज क्लोथ्स। ये मेरा पहला मॉडलिंग शो है एंड इट फील्स वेरी गुड। इंशाल्लाह आप लोग के प्यार के वजह से आज मुझे मौका मिला है, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे प्यार देते जाइए और मैं शो शॉपिंग करते जाऊँ। आई डोंट, सॉरी आपने क्या कहा जी? जज करने के लिए? हाँ, नहीं, आई थिंक टुडे जजिंग भी एक बहुत ही कठिन जॉब हो गया है, बिकॉज जज का मतलब नहीं कि आप बस आ गए और आपने स्कोर करके चले गए। आई थिंक बिलीव दैट हर फैशन डिजाइनर आज जो मुकाम तक है, इंक्लूडिंग रियाज सर, आई थिंक दे हैव वर्क देयर वे टू देयर अप द लैडर, आज वो उस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ऑफकोर्स इनको तो मैं बिल्कुल जज नहीं कर सकता बिकॉज दे ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, बट न्यू जो भी आएंगे डिजाइनर्स, डेफिनेटली आई वुड लव टू जज। जी वेल, इनफैक्ट प्रमोशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ एंड रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा मिला है हमें। इनफैक्ट लोगों ने मुझे बहुत ट्वीट किया और फेसबुक पे कमेंट्स लिखे, बोला कि हमने आपकी फिल्म देखी, आपका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो इंशाल्लाह बहुत प्यार मिल रहा है मुझे फैंस। थैंक यू। ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना है? ये कहना चाहूँगा कि आप लोग की वजह से मैं हूँ और आप लोग के प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बिलीव किया और यही बस इतना ही विश्वास करते जाइए और इंशाल्लाह मैं आप लोग के सामने ऐसे अच्छे से कपड़े पहन के आते जाऊँ। आई रियली लव द कलेक्शन, दिस इज़ वेरी नाइस फॉर समर बिकॉज यू नो सम कलेक्शन आर लाइक वाइट कलर, दैट गाइज कलेक्शन आई रियली लव्ड इट एंड द कलर्स आर वेरी नाइस, द गर्ल्स वर वेयरिंग इट वॉज रियली रियली नाइस। सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस समर कलेक्शन एंड आई वुड लव टू वेयर ऑल द कलेक्शन इफ आई गेट अ चांस। डिज़ाइनिंग के बारे में या सी इफ़ यू कैन कैरी समथिंग रियली यू नो विथ कॉन्फिडेंट देन डिज़ाइन डजेंट मैटर, यू कैन वेयर एनी थिंग एंड यू कैन जस्ट गो एंड वर्क विथ कॉन्फिडेंट, दैट्स वॉट मैटर फॉर मी। ऑफकोर्स लिवर्स इज़ लाइक वेरी वेरी यू नो सक्सेसफुल ब्रांड राइट नाउ एंड आई एम रियली विश देम luck, all the best and do you know lots of more fashion shows and do well, that's what I want to tell them. I think that guys, that white color collection, I really loved it. It's something, you know, for summer it's really really nice. I mean very very light and very soft, I guess, and you know, it's really loved it. Sorry, you tell that guy. Okay, girls, there is a golden color, some design was there, so I really loved that. I would like to prefer that kind of, you know. Mauka milenge to zarur karungi, aise bhi main actually showstopper mein karti hu because I basically work in south, so right now I'm doing 4 hindi films, so yeah, बॉलीवुड में अभी 4 फिल्म कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली इफ आई विल गेट अ चांस ऑफ कोर्स आई विल वर्क। हाँ, सबसे आपका पसंदीदा आउटफिट कौन सा है? मुझे वो आई टोल्ड हिम ऑलरेडी दैट गाइस वाइट कलेक्शन वाज रियली नाइस एंड सम गोल्डन कलर दैट गर्ल्स कलेक्शन दैट वाज रियली नाइस, आई लव दैट। मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी मैं 4 हिंदी फिल्म कर रही हूँ, एक का नाम है जाने कैसा ये इश्क, दूसरी है 6X, तीसरी फिल्म है दैट इज़ अनटाइटल्ड विद मुग्धा गोडसे एंड रुस्लान मुमताज एंड अनदर वन ऑल्सो अनटाइटल्ड, 2 आर अनटाइटल्ड एंड अनदर 2 आई टोल्ड यू द नेम्स। थैंक यू सो मच। वेल, आज का इवेंट बहुत अच्छा गया एंड इनफैक्ट एवरीबडी अप्रिशिएटेड शो, और शो अच्छा जाने के बाद में एक अलग ही खुशी होती है। छोटे मोटे हिकअप्स तो हमेशा होते रहते हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट इन जनरल पीपल लाइक्ड इट एंड आई थिंक आप लोगों को पसंद आया, प्रेस वाज वेरी हैप्पी एंड एवरीबडी इज एंजॉयिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ मैरियट। लिबास तो हमेशा अपना काम कर ही देता है, बट उसके बाद में भी देयर आर पीपल हु टेक ओवर एंड आई थिंक इट्स गोइंग वेरी वेल। आपके मतलब इवेंट को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे
वेल सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके साथ खड़े रहता हूँ व्हेनेवर दे नीड मी. आधी रात को भी उनको जब कपड़े की जरूरत होती है तो मैं उनके लिए खड़े रहता हूँ, तो मेरे लिए भी वो खड़े रहते हैं. इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग मेरे काम को पसंद करते हैं एंड दे लाइक टू वर्क विथ मी, तो मज़ा आता है. इट्स अ गुड लाइफ एंड एक दूसरे का काम आए वही जिंदगी होती है. वेल अभी तो मैंने सिर्फ यही सोचा है कि मैं अच्छा एक वेडिंग प्लानर बनूं. डिज़ाइनर तो बन ही चुका हूं और फ्यूचर में इरादा है कि होपफुली वी विल कम अप विद अदर वेंचर्स. लाइक हमने अभी ऑनलाइन लॉन्च किया लिबास का एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट अबाउट 50 स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री और वर्ल्ड में भी हमने दुकानें शुरू करना शुरू कर दिया है. इनफैक्ट वी हैव ओपन वन स्टोर इन दुबई एंड सोच रहे हैं अभी दूसरी और स्टोर्स भी खोलेंगे हम. आपने देखा अभी मैंने दुपट्टा दिखाया, बिगर दुपट्टे के लहंगा दिखाया, आई मीन सॉरी अबाउट इट. तो वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में ब्राइड्स विल बी मोर केयरफ्री, दे विल बी मोर फन लविंग, तो दे विल नॉट बी कैरिंग दोज 10 किलो के दुपट्टा. सो इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट द होल थिंग फ्रॉम हैवी ब्राइडल लहंगास टू हैवी ब्राइडल गाउन्स विदाउट दुपट्टाज एंड यू नो नाइस वर्क, अच्छे कट्स और शेरवानीज, लॉन्ग शेरवानीज फॉर देम. सो दैट्स व्हाट आवर आइडियाज. थैंक यू. सबसे पहले तो रियाज गांगजी और रेशमा गांगजी को वेरी ऑल द बेस्ट फॉर न्यू वेंचर लिबास वेडिंग. हम लोग ने लिबास के कपड़े बहुत देखे हैं, उनके कलेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट सीजन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस के लिए कलेक्शंस बहुत देखे हैं. दे आर फैबुलस, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. अब इनका वेडिंग भी शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली ये हर चीज़ जो भी करते हैं वो इतने मेहनत से और इतने दिल से करते हैं कि वो परफेक्ट होती होती है. तो आई एम 100% श्योर कि ये भी परफेक्ट होगी. और आज का जो फैशन शो था उसकी हर एक थीम बहुत अच्छी थी कि किस तरह उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों को, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स को मिक्स करके एक आउटफिट बनाया और उसमें इतना सुंदर लग रहा है वो आउटफिट. तो आई एम डेफिनेटली वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये बहुत अच्छा होगा इनका वेंचर. एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक. मीमो चक्रवर्ती का, he is so cute. तो सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा? सबसे अच्छा मुझे जो पहनने मिले वैसा सबसे बेस्ट मुझे वो लगा जिसमें ऊपर से प्लेन और नीचे से फ्लोरल डिजाइन्स था और डिफरेंट टेक्सचर का सीक्वेंस वर्क वाला एक वाइट कलर का सीक्वेंस वर्क वाला ड्रेस था. दैट वाज अमेजिंग. थैंक यू. बहुत ही बढ़िया क्राउड और बहुत ही मतलब बढ़िया इवेंट है. मैं रिसेंटली जस्ट अभी आया हूँ कि मैं सीढ़ी गया था ना, तो मैं डायरेक्ट ही आया हूँ. तो रियाज भाई मेरे बहुत जूनियर फ्रेंड है और ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेस टू रियाज भाई. एंड मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास रियाज भाई के लिए, इतना अच्छा उनका डिजाइनिंग है. रेमो की, मिथुन जी की भी सब फिल्म मैंने की और रेमो जी की भी पहले से लेकर लास्ट तक फिल्म मैंने की है. तो रेमो जी भी एक टैलेंटेड कलाकार है और उनका फ्यूचर भी ब्राइट है. सर मैं अभी रिसेंटली आया हूँ बाहर गाँव से, तो आउट ऑफ मुंबई था तो मैंने शो नहीं देखा है, तो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ.